उपेन कॉमेडी। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। बाबूजी, बाबूजी। क्या है बहू? एक घंटा से उनको फोन लगा रहे हैं, बिजी बता रहा है। न खुद खाने आ रहे हैं न किसी को भेज रहे हैं। लगता है काम ज्यादा है। जाइए आप टिफिन लेके आइए। अरे ये भोलवा के बदमाशी है, उसको कम से कम आना चाहिए बेवकूफ को। अच्छा हम जाते हैं। कहाँ रहता है तू रे भोलवा? होटल में बाबूजी। जाओ जल्दी से खनवा ले जाओ। मलकिनी जल्दी से खाना दीजिए। ज्यादा थकी है क्या भोला? हाँ आजकल सारा काम हमरे करना पड़ता है। ग्राहक भी संभालना है, भट्टी में छानना भी है और खाना भी ले जाना है। बहुत थक जाते हैं मलकिनी। आजकल लगन में काम ज्यादा बढ़ गया ना भोला, तो अच्छा है ना भोला। मालिक ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा तनख्वाह भी तो देंगे। खाक कमा रहे हैं और गवा रहे हैं। पैसे भी नहीं रहता तो हमरा ज्यादा क्या देंगे। वैसे 3 महीने से तनख्वाह नहीं दिया किसी को। तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? कहाँ गवा रहे हैं जो 3 महीने से तनख्वाह नहीं दिए किसी को? नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो मालिक हमको मारेंगे। मालिक मना किए हैं। क्या मना किए हैं? इधर 3-4 महीना से रात दिन फोन बिजी रहता है, रात को घर नहीं आते हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तो फिर तनख्वाह काहे नहीं दे रहे हैं? सच सच बताओ क्या बात है भोला? नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे, मालिक मारेंगे। नहीं बताएगा तो हम मारेंगे, समझा? सच सच बताओ, बोलेगा कि मारे? अरे क्या हुआ, काहे मार रही है भोलवा के बहू? बताएगा कि नहीं? बताते हैं बताते हैं। मालिक ने एगो लड़की के चक्कर में पैडल है। ये तुम क्या बोल रहा है रे भोलवा? हाँ बाबूजी, अरु लड़की ने मालिक को पूरा लूट रही है। मालिक के साथ कपड़ा खरीदने जाती है, बाजार घूमने जाती है और सिनेमा देखने जाती है। और मालिक नहीं जाते हैं ने तो होटल में आ जाती है, पैसा भी मांगती है और नाश्ता भी करती है और हमरा डांटती भी है। वक्रे से मालिक रात दिन फोन पर बतियाते रहते हैं। और परसों तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया परसों? नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। बताएगा कि मारे अभी हम? बताते हैं बताते हैं। परसों मालिक ने चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग हो जा रंगीला रे। चलो। अरे प्रिया अभी बहुत काम है। चलो बैठो चुपचाप। I miss you. अरे प्रिया तुम रोज यहाँ मत आया करो, लोग गलत समझते हैं। अरे रंगीला प्यार किया तो डरना क्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बताओ तुम शादी कब करोगे? अरे प्रिया अभी हमको फुर्सत नहीं है, बहुत लंबा ऑर्डर लिए हैं, आजकल बहुत काम है। काम खत्म होते ही जब फुर्सत मिलेगा तो फिर हम शादी कर लेंगे। मालिक चाय पानी कुछ दें। तुम भागता है यहाँ से, तुम जाओ अपना काम करो। रंगीला मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, मुझे 10,000 दे दो। अरे पैसा तो नहीं है, काम का था, लेकिन लो। अच्छा ठीक है बाय। यस।
बोला, यहाँ आओ। जी मालिक। ये सब बात अगर घर में किसी को पता चला तो बहुत मार मारेंगे, तुम समझ लो। जी मालिक, किसी को नहीं बताएंगे। अब मालिक हमरा बड़ी मार मारेंगे, हम तो बता दिए। कुछ नहीं करेंगे मालिक, उसका मालिक हम हैं और हम अभी जिंदा हैं। तुम काहे रो रही है पगली, उसको तुम फोन लगाओ और घर बुलाओ अभी, उसको हम बताते हैं अभी। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। और किसके पास है वहाँ मोबाइल रे? गलुआ के पास। नंबर बताओ, नंबर बताओ गलुआ का। 99 3 15 41 2 12। हेलो गोलू, मालिक को फोन दो। हाँ, ना ना ना, हाँ हाँ आएंगे ना। मालिक, मालकिन बात करेगी। हेलो, अब जल्दी घर आइए। तो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बाबूजी बुला रहे हैं, घर आ पाइए जल्दी। अब भी काहे बुला रहे हैं? अरे यहाँ काम पड़ा है दुनिया भर का, हम नहीं आ पाएंगे अभी। तुम आता है घर की हम आवे दुकाने पर रे? नहीं, आते हैं आते हैं आते हैं, लो फट हम आते हैं घर से। क्या हुआ, काहे बुला ली? कितना काम है वहाँ पड़ल। तुम कितना कमा रहे हो उसे हम नहीं जानते हैं रे, तुम किसको धोखा दे रहा है रे? बहू को कि अपने बाप को कि खुद को? बेशरम बेहया, अब क्या पूछा तुमसे? आखिर बात क्या है, कुछ बताएगा कोई? ये भोलवा कुछ बोला है का? आपका किस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? शादी करने वाले हैं? कर लीजिए, हमको पहले एक पुड़िया जहर लाके दे दीजिए, उसके बाद जो जी में आए करिएगा। ये क्या अनाप शनाप पक रही हो तुम? ये भोलवा उल्टा पुल्टा बोला है ने? ये सब सब झूठ बोल रहा है। छी, इसको अब भी हम बताते हैं। खबरदार जो भोलवा को हाथ लगाया तो। बदतमीज, ये झूठ बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहा है? तुम हमको सिखाएगा रे? हमारा बाल धूप में सफेद नहीं हुआ है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, गलती मान लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने से गलती हो गया बाबूजी, अब ऐसा नहीं करेंगे, हमरा माफ कर दीजिए। हमरा से माफी क्या मांगता है तुमरे? जाओ बहू से माफी मांगो, तुम उसका दोषी हो। हमको माफ कर दो सुनीता, हम तुम्हारा दोषी हैं। अब ऐसा गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, हमको सिर्फ एक बार माफ कर दो। उठिए, आपको जो मन में आता है कीजिए, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमको खोजिएगा नहीं। हमको केवल एक पुड़िया जहर लाके दे दीजिए, फिर हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। जहर हमको दे दो सुनीता, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, हम अब जीना नहीं चाहते। चुप रहिए, अनाप शनाप मत बोलिए, जाइए, लेकिन अब फिर से ऐसा नहीं ना कीजिएगा। नहीं, फिर ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। खाइए मेरी कसम। हम कसम खाते हैं, फिर ऐसा गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। चलिए खाना खा लीजिए, आराम कीजिए, आज कहीं नहीं जाना है। बोला टिफिन का खाना ले जाओ, मालिक यहीं खाएंगे। जी मालकिन। मालिक मालिक, वो लड़की आज फिर आई है। बोल देना मालिक घरे में है, यहाँ नहीं आए। हाँ,
अरे भोला, मालिक कहाँ गया? नहीं है यहाँ, घर में है मालिक। जाओ यहाँ से, रोज रोज यहाँ कंची खोजने आती है। मालिक अब घर में रहते हैं, यहाँ कहिए नहीं मिलेगा, जाओ। हम देखते हैं तुम्हारा मालिक कब तक छूटता है, मेरा फोन भी नहीं उठाता है, कमबख्त। ये होटल का चक्कर लगाते लगाते थक गई हूँ मैं आज उसका घर जा रही हूँ, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मालिक मालिक मालिक, वो धमकी देके गई है, वो घर जा रही है, लगता है आज घर में बवाल होगा। अब क्या किया जाए भोला? जल्दी घर चलिए, नहीं तो मालकिन उसको पीस के पी जाएगी। हाँ, उसका गुस्सा बहुत खराब है, चलो चलो जल्दी चलो। कौन हो तुम बेटी, नहीं पहचाने हम तुमको? मैं प्रिया, आपकी होने वाली बहू। मेरी होने वाली बहू? मेरी बहू तो घर में है। कौन है बाबूजी? पर रंगीला तो बोला वो कुंवारा है। कौन है तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं प्रिया हूँ, मैं और रंगीला एक दूसरे को पसंद करते हैं। रंगीला ने मुझसे शादी करने का वादा भी किया है। रंगीला ना अब मेरा फोन उठा रहा है, नहीं मिलने आ रहा है, इसलिए मैं घर चली आई। कहाँ है रंगीला? रंगीला यहाँ नहीं है, तुम जो भी हो चली जाओ यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ, मैं रंगीला से आज शादी करके अब इसी घर में रहूंगी। मैं कहती हूँ तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो आज गजब हो जाएगा। बहू तुम अंदर जाओ, इससे मुझे बात करने दो। हेलो, हाँ दीदी बोलो। मनोज बाबूजी कहाँ हैं? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? एक लड़की घर में जबरदस्ती घुस आई है और बोल रही है वो जीजाजी के साथ शादी करेगी, वो घर से जा ही नहीं रही है, बोल रही है अब यहीं रहेगी। क्या? अब जीजाजी और उसके बीच में क्या, हमको नहीं पता, मेरी समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम बाबूजी को लेकर जल्दी यहाँ पे आओ, नहीं तो आज मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम थोड़ा धीरज रखो, घबराओ नहीं। अरे प्रिया तुम यहाँ क्यों चली आई? भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, हमको अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे मतलब है, से धोखा नहीं दे सकते हो, आज तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगा। अरे प्रिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तुम मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो, मुझ पर तरस खाओ। ये सब तुम्हें पहले सोचना था, अब कोई फायदा नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस तो मैं बुलाऊंगी। हेलो हेलो, कोडरमा पुलिस स्पीकिंग। हाँ सर, मैं यही कोडरमा से प्रिया बोल रही हूँ। जी आपको क्या दिक्कत है? मैं अभी कोडरमा में रंगीला के घर में हूँ, पिता का नाम गिरधारी लाल है। सर इन लोगों ने अपना घर में मुझे बंधक बना के रखा है, मेरी जान को खतरा है, आप जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए। जी मैं बगल में तुरंत आ रहा हूँ। अब आने दो पुलिस को, फैसला हो जाएगा। रंगीला बहुत हुआ इसका नाटक, इसको बोलो चुपचाप चली जाए, नहीं तो मैं सचमुच में इसको मार डालूंगी। अब आप लोग मुझे मारे या काटे, मैं यहाँ से जाने वाली में से नहीं हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए जो मैं लेकर रहूंगी। प्रिया मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा घर मत उजाड़ो, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज तुमको मेरा अधिकार देना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं जाएगी, आज मैं इसका खून कर दूंगी। सुनीता तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी।
कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। किसने किया था फोन? कौन है प्रिया? मैंने फोन किया था सर, मैं ही प्रिया हूँ। मुझे बचा लीजिए सर, नहीं तो मुझे ये लोग मार डालेंगे। हथियार मुझे दीजिए। हथियार भी बरामद हो गया। अब आप सभी को जेल जाना होगा। आप सब मिलकर एक अकेली लड़की का हत्या करने का कोशिश किए हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी का हत्या नहीं कर रहा, यहाँ दूसरा बात है। दूसरा बात है तो फिर क्या चल रहा है यहाँ? मैं बताती हूँ सर, ये रंगीला पिछले 6 महीने से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। इसने मुझसे झूठ बोला है कि ये कुंवारा है। इसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था और ये अब मुकर रहा है। अच्छा रंगीला, ये तो अब लंबा जाएगा। तो तू अब क्या चाहती हो? मैं इससे शादी करना चाहती हूँ सर, मुझे मेरा हक चाहिए। नहीं सर, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मुझसे गलती हो गई है सर, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये बाकी जो भी कहेगी मैं मानूंगा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ सर, मुझे बचा लीजिए। अच्छा देखो, ऐसा है, ये शादीशुदा है, इसका घर बर्बाद मत करो। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, कोई भी तुमसे शादी कर लेगा। देखो मेरी बात मानो, तुम अपने गुजारे के लिए कुछ पैसे ले लो और कहीं जाकर अपना अलग जिंदगी बसाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम जितना रुपया मांगोगी मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा घर मत बर्बाद करो। कितना दे सकते हो तुम? 5, मैं इसे 5 लाख दे दूंगा। क्या, तुम्हारे घर की इज्जत की कीमत केवल 5 लाख है? मैं इतना ही दे सकता हूँ सर। 10 लाख, तुम्हें 10 लाख देना होगा। 20 लाख, मुझे 20 लाख देना होगा, वो भी आज ही और पूरा कैश। 20 लाख? नहीं नहीं, मालिक के पास इतना पैसा है ये नहीं, तो कहाँ से देंगे? आज तुम ही से लेंगे। यहाँ सुनो तुम। हम नहीं देंगे। अरे एक और पुलिस। अरे अरे दूधू पुलिस, दूधू पुलिस। अरे ओए, कहाँ है दो दो पुलिस? एक बाहर में और एक भीतर में। कहाँ है भीतर में पुलिस? चलो दिखाओ। आइए सर। कौन लड़की है दीदी? यही लड़की है। पकड़िए सर इसको, और सबसे पहले इसको पकड़िए, सबसे बड़ा फसाद का जड़ यही है। hey, मैं भी पुलिस हूँ, छोड़ो इसको, छोड़ो। कहाँ के पुलिस हैं आप? कोडरमा थाना के। कोडरमा थाना में तो कभी नहीं देखे आपको, आप अपना आईडी दिखाइए। वो तो घर पर है। कहाँ के पुलिस है सर जो अपना आईडी घर पे रख के ड्यूटी पे आते हैं? ये पुलिस नहीं, ये बहुत बड़े ठग, चोर, ब्लैकमेलर, बंटी और बबली हैं। ये पुलिस नहीं है। हाँ, इनकी तलाश पुलिस को बहुत दिनों से है। इन पर बहुत सारे केस हैं। आखिर आज ये पकड़े ही गए। कितने दिनों से इनके पीछे पड़े हैं आप लोग, बताओ? बताते हो कि नहीं? 6 महीने से, 6 महीने से हम इसके पीछे हैं। हमें पता चला कोडरमा में इसका होटल सबसे ज्यादा चलता है, अकेला मालिक है और रंगीन मिजाज का आदमी है। बस यही कमजोरी का फायदा उठा कर हम इसके पीछे पड़े हैं। हमने तो सोचा था ये कुंवारा है, पर ये शादीशुदा निकला। बस यही गलती हो गई। कितना रुपया ठगा है, सही सही बताओ? पहले तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत रुपया उठे, लेकिन अब इस बार कुछ बड़ा प्लान किए थे, मोटा रकम खाने वाले थे। लेकिन अब जेल की हवा खानी होगी। ले चलो इन दोनों को, और इनको भी ले जाइए सर, वैसे नहीं सुधरेंगे। सुधर गए सर, सुधर गए। पूछिए, पूछिए सुनीता को।
ये सब काम करना अब हम छोड़ दिए हैं। ये ठग हमको बहुत परेशान किया, बहुत लूटा। हमरा अब सब समझ में आ गया है सर, हम अब जीवन में ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। हमरा पर बस एक बार विश्वास कीजिए। ठीक है, हर अपराधी को सुधरने का एक मौका मिलना ही चाहिए। फिर भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सभी सावधान रहें। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल उपेंद्र कॉमेडी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।